Good morning, class 9. It is 27th October today and we are doing B5. This is the main course book of your syllabus. This is the main book and from this book we will be studying in detail the prose chapters and poetry. So this is poem number 2. We are starting today. The name of the poem is Wind. Wind ka kya matlab hota hai? Wind matlab hawa. Is composed by Subramanya Bharti. These are the two important things which you should keep in mind while doing poetry. First of all, you should know, remember the name of the poem, as well as you should remember the name of the poet. These are the very important questions, two very important questions which are often asked. In exam, mein bahut puche jaate hain. Har poem ka naam aur uske उसका जो पोएट है उसका नाम आपको पता होना चाहिए और उसका मीनिंग क्या है टाइटल का ये भी पता होना चाहिए. विंड माने के हवा, लेकिन विंड आपको यहाँ क्या सिम्बलाइज कर रही है इसमें पर्सोनिफिकेशन और सिम्बोलिज्म यूज़ किया गया है. ये क्या पर्सोनिफिकेशन और सिम्बोलिज्म क्या होता है? ये होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच. जैसे हिंदी में आप अलंकार पढ़ते हो या इनको पोएटिक डिवाइसेस भी कहते हैं. ये केवल पोएट्री में यूज होते हैं. पोएट्री की लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, वो सुनने में आपको पढ़ने में अच्छी लगती है. तो यहाँ पर पोएम में विंड को सिंबलाइज किया गया है, मतलब वो किसी चीज़ का प्रतीक है. किस चीज़ का प्रतीक है? लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो जो वीक लोग होते हैं उनसे घबरा के हार मान के बैठ जाते हैं. बट वी वॉट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम? दैट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू फेस द डिफ़िकल्टीज ब्रेवली. परेशानियाँ आपको आएंगी लाइफ में, लेकिन उनको बहुत हिम्मत से आपको फेस करना है. ये इसके इसका मोरल है पोएम का, ये मैसेज दिया गया है. ये हमें सीख देती है, एक लेसन देती है, शिक्षा देती है. पोएम में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है. राइमिंग स्कीम क्या होती है? जब लाइन का लास्ट वर्ड उससे अगली लाइन के लास्ट वर्ड से राइम करता, तुक आती है, इससे ऐसे ही आवाज़ निकलती है, तो उसे राइमिंग स्कीम कहते हैं. इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, लेकिन दूसरी पोएम्स में होती है. क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है. तो आई विल रीड द लाइन्स एंड आई विल एक्सप्लेन देम. यू विल लिसन वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. आई एम स्टार्टिंग विद द पोएम. विंड कम सॉफ्टली. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. डोंट स्कैटर द पेपर्स. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. पोएट किसको एड्रेस कर रहा है यहाँ पर? पोएम को एज ए, यहाँ पर विंड को एज ए पर्सन ट्रीट किया गया है. विंड जैसे कोई इंसान है, कोई तगड़ा इंसान है, कोई दुश्मन है, हाँ, जो आके सब कुछ तहस नहस कर देती है. सब बहुत तेज़ हवा आती है और सब चीज़ें तोड़ फोड़ देती है. हाँ, क्योंकि वो डिफ़िकल्टीज को सिम्बलाइज कर रही है ना. ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आती हैं आपको बिल्कुल परेशान करके चली जाती है. तो पोएट क्या कह रहा है उसको एड्रेस कर. विंड कम सॉफ्टली, मतलब हवा धीरे आओ. सॉफ्टली मतलब धीरे आओ. क्यों? तुम क्या कर रही हो? डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. तुमने तो खिड़कियों के जो फ्रेम थे ना, दरवाजे थे, शटर्स थे, वो तोड़ दिए. उसे मत तोड़ो. डोंट ब्रेक मतलब डोंट ब्रेक मतलब मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. हवा इतनी तेज आई, टेबल पे पेपर पड़े थे, सब उड़ के चले गए. स्कैटर मतलब फैल जाना. तो कह रहा विंड से कि नहीं, इस तरह से पेपर्स मत फैलाओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. और तेज हवा आई तो शेल्फ मतलब अलमारी में जो किताबें रखी पड़ी थी वो भी नीचे गिर गई. तो पोएट कह रहा है कि डोंट थ्रो देम, उन्हें मत गिराओ. देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. पोएट विंड को फिर विंड से फिर बात कर रहा है कि देखो तुमने क्या कर दिया, सारा सामान नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. तुमने बुक्स के पेजेस टोर, टीयर की सेकेंड फॉर्म टोर होती है और इसका मतलब है फाड़ देना. बुक्स के पेजेस फाड़ दिए. You brought rain again. तेज हवा चली, बादल आ गए और बारिश आ गई फिर से. You are very clever at poking fun at weaklings. लाइन बहुत important. Poet क्या कह रहा है? Wind, तुम बहुत clever हो, तेज हो, होशियार हो. At poking fun, poking fun मतलब teasing, परेशान करना, मजाक बनाना. किसकी? Weakling. Weak से बना, weak मतलब कमजोर.